सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेस्माकं जागृता बालकावयं उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। दोस्तों, साइंस के ज़माने में, इस मशीनी युग में भगवान पर विश्वास करना कई लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल है। उनका कहना है कि भगवान कुछ भी नहीं करते, जो होता है या हम जो करते हैं वो सब हमारी मेहनत से होता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत के साथ साथ भगवान पर भी विश्वास रखते हैं और रोज़ नियम से पूजा पाठ भी करते हैं। तो हम किसकी माने, उनकी जो भगवान में विश्वास नहीं रखते या उनकी जो भगवान में अथाह विश्वास रखते हैं? अरे आदर्श बेटे, ये ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं मम्मी, इसी चोट की वजह से तो आज मेरा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वरना आज मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं होगा? मैं जानता हूँ ना मम्मी, इसी चोट की वजह से मैं ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाया और सुधीर मुझसे एक कदम आगे हो गया है। आज उसका सिलेक्शन होना 100% है। काश मुझे ये चोट ना लगी होती तो आज उसकी जगह मेरा सिलेक्शन हो गया होता। दिल छोटा नहीं करते बेटे, भगवान ने चाहा तो। बस बस मम्मी, अब आपके भगवान के चाहने से भी कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी अभी आप ही की तरह एक ईश्वर भक्त से जाकर उसके ईश्वर भक्ति की बातें सुननी है। कौन, शिखर? हाँ मम्मी, मुझे उसे मंदिर के बाहर जाकर मिलना है। अभी तो वो वही खड़ा भजन गा रहा होगा। बाय मम्मी। सियावर रामचंद्र की जय।
पुजारी बाबा प्रसाद और दीजिए। प्रसाद एक ही बार लिया जाता है बेटा। अरे मेरे लिए नहीं, आदर्श के लिए, वो भारी खड़ा होगा। तो उनको भी अंदर बुलाओ बेटा। पर वो भगवान पे विश्वास नहीं रखता पुजारी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, जब उनकी महिमा जान जाएगा वो खुद आ जाएगा। कितनी पूजा करता है यार, यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे। तुझे तो पता है ना, चार दिनों से चोट खाए बैठा हूँ। हाँ पर तेरा मूड क्यों ऑफ है यार? मूड क्यों ऑफ है? तुझे पता है ना, आज मेरा फाइनल सिलेक्शन है और इस चोट की वजह से मैं ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। पता नहीं आज मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देख, तूने इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत मेहनत की है, ले प्रसाद का। भगवान सब अच्छा ही करते यार। तू जानता है ना मैं भगवान को नहीं मानता। एक बार मान के देख, तेरे सारे काम बन जाएंगे। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, पर फिर भी अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मान जाऊंगा तेरे भगवान को। तो बस भगवान पे विश्वास रख। और सुन, बस बस यार, अब भगवान में विश्वास में ज्यादा भाषण मत दे, चल स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे आदर्श बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों सर? वो सुधीर की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो स्कूल नहीं आया, इसलिए इंटर स्कूल कंपटीशन में हमने तुम्हारा नाम सिलेक्ट किया है। क्या? हाँ, पर आज लेट हो गए हो। कोई बात नहीं, कल आकर सिलेक्शन फॉर्म पे साइन कर देना और फिर तुम्हें ग्राउंड पे आगे की तैयारी के बारे में समझाया जाएगा। ओके सर। सुना तूने? हाँ मैंने तो सुना, पर क्या तुमने देखा भगवान का कमाल? हाँ यार, मान गए तेरे भगवान तो बहुत फास्ट निकले। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया तेरे भगवान पर। कल से क्या, आज शाम को घर लौटते समय मैं भी चलूंगा तेरे साथ भगवान के मंदिर। जरूर। यकीन ही नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब इन्हीं की कृपा है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। मैं आज तक मंदिर के अंदर नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात सुन ली और मेरा सिलेक्शन करवा दिया। आप बहुत दयालु हो भगवान, थैंक यू सो मच। अरे पुजारी बाबा, आज मुझे नहीं, पहले मेरे दोस्त आदर्श को दीजिए। अच्छा, यही आदर्श है? अब ये भी मेरे साथ मंदिर आया करेगा। मम्मी, मम्मी, बजरंगबली की जय। अरे तू कब से उनकी जय बोलने लग गया? जय? अरे मम्मी, अभी मंदिर से ही तो आ रहा हूँ। क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं मम्मी, सपना तो मेरा पूरा किया है आपके और शिखर के भगवान ने। कोई चांस ही नहीं था, पर अचानक सुधीर की तबीयत खराब हो गई और मेरा सिलेक्शन हो गया इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। अच्छा, चलो मम्मी, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कल मेरा फाइनल सिलेक्शन है ना। और हाँ, कल स्कूल जाने से पहले मुझे मंदिर जाना है, इसलिए मैं जल्दी निकलूंगा। पर बेटा तेरा पैर तो अभी ठीक नहीं हुआ। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। चलो बेटा, बहुत हो गई प्रैक्टिस, चलो खाना खा लो। हाँ मम्मी, बस दो मिनट।
नहीं, चलो अभी चलो, आ जाओ। तुझे पता है कल रात मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बस कैसे भी करके ये मैच जीतना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है ना, ये मैच तुम ही जीतोगे। हाँ प्रिंसिपल सर, मैं कमीन। आदर्श कमीन। प्रिंसिपल सर, वो सिलेक्शन फॉर्म पे मैं साइन करने गया था ग्राउंड में, लेकिन पीटी टीचर ने मना कर दिया, बोला कि मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। लेकिन कल आप ही ने तो सिलेक्ट किया था ना मुझे। देखो आदर्श, तुम तो जानते ही हो सुधीर की तबीयत खराब थी, इसलिए उसकी जगह तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था। बट सुधीर आज ही वापस आ गया है और उसकी तबीयत भी ठीक है। पीटी टीचर का कहना है कि जब तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो उसने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी, इसलिए उसका सिलेक्शन किया है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ओके। आदर्श, आदर्श सुन दो यार, क्या हुआ कुछ तो बता। क्या बताऊं, क्या बताओ, बता ना। तू तो कह रहा था ना तेरे भगवान ने मेरा सिलेक्शन करा दिया, या तो सिलेक्शन होने के बाद भी निकाल दिया। अरे पर क्यों? उस सुधीर की तबीयत भी आज ही ठीक होनी थी। अगर तेरे भगवान चाहते तो दो चार दिन और बीमार नहीं रख सकते थे उसे। लेकिन ये तो सुधीर के लिए बुरा चाहना हुआ ना, और भगवान किसी के लिए बुरा नहीं करते। हाँ, सिर्फ मेरा ही बुरा सोचते ना, इसलिए तो देख कॉम्पिटिशन से आउट करवा दिए। ऐसा मत कह यार, भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। इसमें क्या अच्छा? हाँ? क्या अच्छा बता ना। तू इतना उदास क्यों हो रहा है यार, बस भगवान पे भरोसा रख। कैसे भरोसा रखूं यार, तेरे भगवान ने ना। अरे आदर्श सुन, आदर्श सुन तो यार, चला थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं। मुझे नहीं बैठना तेरे इस मंदिर में, ये सब करके तेरे भगवान ने मेरा मजाक उड़ाया। आदर्श, भगवान प्लीज ये माफ कर दीजिए, अब ये थोड़ा गुस्से में। आदर्श दोस्तों, ऐसा कई बार होता है हमें लगता है कि हमारा ये काम हो गया और हमें हमारी मंजिल मिल गई, मगर ऐन वक्त पर जैसे हमारी नैया डूब जाती है, ऐसा लगता है कि एक आंधी आई और सब कुछ उजड़ गया, और भगवान पर बना हमारा विश्वास एक पल में टूट जाता है। जब हम बड़ों का ये हाल है तो आदर्श तो एक बच्चा है, वो भी नास्तिक, जिसे पहले से ही भगवान पर विश्वास नहीं था और किसी तरह बना भी तो फिर टूट गया। तो क्या उसका कहना सही था कि भगवान ने उसके साथ गलत किया, या फिर वो गलत था जो ऐसा सोच रहा था। अरे बेटा आ गया, और प्रैक्टिस कैसी रही? आदर्श क्या हुआ बेटा? आदर्श, आदर्श बेटा क्या हुआ है? आदर्श बेटा कुछ कहो तो सही, क्या हुआ है? आदर्श, आंटी जी आदर्श कहाँ गया? वो अपने कमरे में है, कमरा लॉक किया हुआ है। हुआ क्या है स्कूल में? वो आंटी हुआ यूकी, सुधीर की तबीयत ठीक हो गई और वह स्कूल आ गया, इसलिए उसका नाम कंपटीशन के लिए वापस ले लिया गया और आदर्श को हटा दिया, इसलिए इसका मूड इतना ऑफ है। हाँ तो क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। तब से समझा रहा हूँ उसे, पर यह है कि समझ ही नहीं रहा। आदर्श, आदर्श बोल लो यार, एक मिनट में आती हूँ। आदर्श, आदर्श सुन दो यार, आदर्श। शिखर प्लीज तू यहाँ से चला जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा मत कह यार, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान 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 का नाम मत ले मेरे सामने, तू जा यहाँ से। अच्छा बस नहीं लूंगा भगवान का नाम, तो दरवाजा तो खोल। आदर्श, हेलो। हेलो, आप आदर्श के पेरेंट्स हैं? मैं आदर्श का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। देखिए आदर्श के लिए गुड न्यूज है, आज ही हमारे पास स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए फोन आया था। हमने आदर्श का नाम अपने स्कूल की तरफ से भेज दिया है, उसे स्टेट लेवल पर हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग कल से ही शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर। आदर्श, आदर्श बेटा बाहर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आप झूठ बोल रहे हो ना मम्मी, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं दरवाजा खोल दूं? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारा नाम स्टेट लेवल के लिए भेजा है। क्या? हाँ बेटा सच में,
अब तुम स्टेट लेवल के लिए खेलोगे। देखा आदर्श, मैंने कहा था ना, भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारा नाम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में इसलिए नहीं सिलेक्ट करवाया क्योंकि तुम्हें स्टेट लेवल पे खेलना था। मैं समझ गया, चल। कहाँ? भगवान से माफी मांगने के लिए। भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। सचमुच भगवान, आप बहुत दयालु हो। मेरा दोस्त सही कहता था कि भगवान जो करते वो अच्छे के लिए करते, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो भगवान जी, माफ कर दो। कर्म करना हमारे हाथ में है और उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। पर फिर भी कई बार बेचैन होकर हम खुद ही फल सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, और अपने मन के होते ना देख हम निराश हो जाते हैं। जबकि भगवान हमारे हर कर्म का फल हमें सही समय पर देते हैं, और तब हम खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि वो हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बस हमें अपना विश्वास उन पर बनाए रखना चाहिए।